आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूं हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री अतुल साहे साहब, जो 29 सालों के एक बैंकिंग व्यावसायिक जीवन के बाद 28 फरवरी 2023 को रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें आनंद बनाती है, महान बनाती है। तो जब भी हम ऐसे सफल व्यक्तित्व को, एक सफल इंसान को सुनते हैं, उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ हमें मिल पाता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में हमें किस तरीके से अनुभव मिलता है और उस अनुभव का लाभ हमें लेना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा आदरणीय श्री अतुल साहे साहब का। अतुल साहे साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। आपने विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने और हमारे साथियों को चर्चा के लिए तैयार हुए। सर, आज ये वीडियो को काफ़ी नौजवान साथी देखेंगे, बैंकर साथी देखेंगे। एक बड़ा लंबा जीवन का करियर आपने देखा है, 29 साल के व्यावसायिक बैंकिंग जीवन के बाद। उसके पहले आपने 5 साल का उत्तर प्रदेश सरकार में प्लानिंग डेवलपमेंट में भी काम किए। सर, अपनी ज़िंदगी को आप किस तरह से देख पाते हैं, अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे साथियों को, तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, मैं तो यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक रेलगाड़ी है और जब आदमी सफ़र शुरू करता है तो वह इंजन से शुरू करता है, वह इंजन होता है और धीरे धीरे उस रेलगाड़ी के अंदर डब्बे जुड़ते जाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी है, सफ़र धीरे से स्टार्ट होता है, प्लेटफॉर्म जब गाड़ी छोड़ती है तो धीरे धीरे उसमें स्पीड आती रहती है और फिर खूब तेज़ स्पीड से चलती है, साथ ही साथ विभिन्न रास्तों से होते हुए, विभिन्न दृश्यों को देखते हुए, विभिन्न परिस्थितियों को निकालते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाती है। और जीवन का ये फलसफा है कि रेलगाड़ी कभी धीमे भी होती है, कभी ब्रेक होता है, कभी कभी अनहोनी होकर के वो पटरी से भी उतर जाती है, लेकिन जो ड्राइवर, जो आपका इंजन है, उसकी खूबसूरती, उसकी खूबी यही है कि उसको फिर से पटरी पर ला के फिर से दौड़ाया जाता है और अंत में वो अपने मंजिल पर पहुँच ही जाती है। लेकिन ये भी आपको याद रखना होगा कि मंजिल कभी नहीं आती है, मंजिल जो है कभी नहीं आती है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते ही जाना है, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है जो बहुत तेज़ चलता है। किसी ने कहा भी है, ये ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है तेरी, जरा धीमे चल, ये ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है तेरी, जरा धीमे चल, अभी मुझको समझने तो दे कि ये मेरा पड़ाव है कि मंजिल है, ये मंजिल नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत आपने की ज़बरदस्त कही कि ये ज़िंदगी ज़रा आहिस्ते चल, मैं समझ तो लूँ कि ये मेरी मंजिल है कि पड़ाव है, ये पड़ाव तो, है कि मंजिल। हाँ जी, तो एक ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में अभी हैं आप अतुल साहे साहब, एक लंबा व्यावसायिक जीवन आपने गुजारा है बैंक में, तो इस जीवन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक बड़े पद से रिटायर होंगे 28 फरवरी को। तो मैं चाहूँगा कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताएंगे कि कहाँ आपका जन्म हुआ था, कहाँ आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई थी, आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे साथियों का हौसला अफजाई होगा, उनको ज्ञान मिलेगा। सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक बरेली ज़िला है, वहाँ पे जो है मेरा जन्म हुआ था 11 फरवरी 1963 को। उसके पश्चात मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जो है बरेली में ही हुई है, वहाँ के सरकारी कॉलेज के अंदर मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, क्योंकि हमारा जो परिवार था वो बरेली से ही था। उसके बाद जो है हमारे पिताजी का स्थानांतरण जो है लखनऊ हो गया था, तो 9वीं क्लास में हम लोग लखनऊ आ गए थे। उसके बाद वो सरकारी मुलाजिम थे, उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत थे विधि विभाग के अंदर, तो वहीं पे फिर हमने 9th, 10th, 11th, 12th पूरा किया। उसके बाद BSc किया, MSc किया, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उस टाइम ये नया आयाम था, नई चीज़ें थी। इस बीच जो है, जैसे कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मैं चाह रहा था, मैंने कंपटीशन दिए और कुछ कंपटीशन से मेरा सफलता भी प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में प्लानिंग विभाग में, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन है, उसमें IT के सेक्टर में मेरा चयन हुआ, जिसको मैं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद उत्तीर्ण किया था, और जो बैच हुआ था उसमें, उस बैच में मेरा दूसरा नंबर था। और उसके बाद मैंने वहाँ 5 साल सेवा करी, उस दौरान मैंने बहुत से कंप्यूटर के प्रोजेक्ट किए, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का कंप्यूटराइजेशन की भी शुरुआत मैंने की थी। मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश सरकार के थे, उनके विभाग का भी कंप्यूटराइजेशन मैंने किया था, शुरुआत की थी।
और पत्राचार वगैरह की बहुत ऑटोमेशन का काफ़ी कार्य किया। तत्पश्चात ये बैंकिंग का उस टाइम जो है कंप्यूटराइजेशन के ऊपर बहुत जोर था, तो ये वैकेंसी निकली थी BSRB के थ्रू, उसमें मैंने अप्लाई किया, लिखित परीक्षा हुई और प्रभु की कृपा से, सब लोगों के बड़ों के आशीर्वाद से उसमें मैं उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद साक्षात्कार हुआ जो कि दिल्ली में हुआ था, एक्सपर्ट आईटी के बाहर से आए थे, IIT के एक्सपर्ट थे, उसमें भी मेरा चयन हुआ। ऑल इंडिया में 2 या 3 लोग लिए गए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है, उसमें मेरा चयन है। उसके बाद दिल्ली आंचलिक कार्यालय में मेरा पद स्थापना हुई। उसके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बैंक है उसका TBA टोटल बैंक ऑटोमेशन जो शुरुआत थी वो मेरे द्वारा ही कराई गई, और सबसे जो प्रथम ब्रांच थी बैंक की नेहरू प्लेस दिल्ली में, उसका कंप्यूटराइजेशन भी मैंने कराया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद मेरा स्थानांतरण, मैंने रिक्वेस्ट लगाया था 4 साल सेवा प्रदान करने के बाद मैं आ गया लखनऊ। लखनऊ में मैंने मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि मेन स्ट्रीम में ज़्यादा चैलेंजेस हैं और वो एक लिमिटेड जॉब था। तो उसके बाद मैंने विभिन्न रूरल, सेमी अर्बन और विभिन्न शहरों में, बहराइच आप समझिए, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद बम्बई केंद्रीय कार्यालय, मेरठ, विभिन्न जगह, कलकत्ता, और अंत में मैं यहाँ भोपाल में पदस्थ हूँ डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पे। क्या बात है सर, आपने तो अपने पूरे सफ़रनामे को वन शॉट में बता दिया तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक लंबा करियर, 29 साल, लगभग 30 साल का व्यावसायिक जीवन, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो इसके पहले आप उत्तर प्रदेश सरकार में एज ए प्लानिंग डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर के अधिकारी के तौर पे काम कर रहे थे, डेवलपमेंट अधिकारी के तौर पर, सर बैंक आपको किस तरह से आकर्षित कर पाया, कि क्या वो 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से आप बैंक में आना चाह रहे थे और अभी बैंक में एक लंबा जीवन आपने व्यतीत किया? क्योंकि वो जब टाइम था जब IT जो है रिवोल्यूशन के ऊपर था और हर जगह IT की रिक्वायरमेंट बढ़ाई जा रही थी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में भी काफ़ी कहना चाहिए कि IT के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा था। हमारे कई साथी उसमें छोड़ करके विदेश में भी चले गए, तो ये मैंने देखा, पेपर में भी पढ़ा कि IT को लेकर के बैंकों में विशेष आकर्षण हो रहा है। क्योंकि एक तो मेरा सिलेक्शन सीधे Scale 2 में हुआ था, मैंने ये सोचा कि बैंकिंग के अंदर जा करके उसको जो कंप्यूटराइजेशन करेंगे उससे लाभ बहुत होगा। और आप जैसे लोगों ने अभी देखा ही होगा कि ये कंप्यूटराइजेशन होने के बाद जो है बैंकों में कितनी सुविधा मिल गई है, और उसकी वजह से जो भारत सरकार और अन्य सरकार हैं उनकी योजनाएं बहुत आसानी के साथ इसमें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की। तो इससे जो है समाज को काफ़ी लाभ हुआ है और बहुत ही जल्दी त्वरित गति से जो है पैसा लाभार्थी के खातों में आ जाता है। अगर ये कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ होता और मैनुअल एंट्री होती तो जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं कि लेजर के अंदर लिस्ट के साथ एंट्री करने में कितना समय, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। अब तो ये 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ही, सेकंड्स में जो है क्रेडिट हो जाता है। तो सर एज ए बैंकिंग इंडस्ट्री में जो हमारे तमाम साथी काम करते हैं तो उनको क्या ऐसी कुछ खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर कि अपने कार्य निष्पादन को क्षमता के साथ, दक्षता के साथ कर पाएँ? आपने क्या अनुभव किया इतने सालों में? बैंकिंग क्या किसी भी क्षेत्र के अंदर लगनशीलता बहुत अति आवश्यक है। जो अपना कार्य करें पूरे लगन के साथ करें और समझ के करें कि ये कार्य करने का कारण क्या है, इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इससे कैसे उठा सकते हैं। अगर लगनशीलता है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है और उससे पूर्ण लाभ मिलता है हर चीज़ के लिए। ओके, मतलब एक समर्पण भाव हो, समर्पण भाव और साथ में सीखने की लालसा हो, जी जी जी, और उसके बाद निर्णय लेने के लिए साहस हो, तो ये हाँ जी, निर्णय लेने का साहस हो, सामना करने का साहस हो तो काफ़ी कुछ आसान हो जाता है अपने रोल को निभाने के लिए बैंक में, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रोल मिलते हैं। आप देखें देश के अनेक अनेक हिस्सों में काम किए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आप को ये ईश्वर ने सौभाग्य दिया कि ये इस बैंकिंग में काम करने का अवसर मिला, तो देश के किन किन हिस्सों में आप काम कर पाए सर? तो देश का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साउथ छोड़ करके मैंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, अच्छा, तीनों जगह कार्य किया है
और सौभाग्य से मैंने तीनों मेट्रो में कार्य किया है। दिल्ली में भी मेरी पोस्टिंग रही, बम्बई में भी पोस्टिंग रही, कलकत्ता में भी पोस्टिंग रही। अब जो सेवानिवृत्त के टाइम में मैं भारत के सेंटर यानी कि दिल्ली में मध्य प्रदेश में भोपाल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये सौभाग्य बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। और अलग अलग जगह जा कर के हम अलग अलग लैंग्वेज भी देखते हैं, उनका कल्चर देखते हैं। कलकत्ता में जो कल्चरल है अलग है, वहाँ की दुर्गा पूजा विशेष होती है, मुंबई में गणेश पूजा बहुत अच्छी होती है, दिल्ली में रथ जगह देवी जी का जागरण वगैरह बहुत अच्छा होता है, और भोपाल में तो आप जानते हैं शंकर महादेव का भी शिवरात्रि बीती है, महाकाल का है, यहाँ पे उज्जैन में मंदिर है जी। प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ है, झीलों का शहर है। और ये देखिए आप अभी हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, और ये पीछे झील और नज़ारा, आप झील और पहाड़ियाँ, यहाँ की सुंदरता नैसर्गिक बहुत ही अति सुंदर है, यहाँ की विशेष है, बहुत अच्छा लगता है भोपाल में रह के। क्लाइमेट भी बहुत अच्छी है। इसी तरह मैं बम्बई के बताऊं, वहाँ समुद्र का किनारा है, जो जुहू बीच वगैरह है उसका आनंद लिया जाता है। कलकत्ता के अंदर हुगली रिवर है, और जो पुराना उसका बगर पिलर वाला ब्रिज है उसको देखने का आनंद बहुत होता है, अच्छा लगता है। ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन में क्रिकेट देख मैच का भी मैंने उसका लाभ उठाया। ये मौका जो है, अगर मैं बैंक नहीं ज्वाइन करता और उसी विभाग में रहता तो हो सकता मुझे नहीं मिल पाता। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतनी सारी चीज़ें, बैंक में जॉब करते हुए जगह जगह जब स्थानांतरण होता है तो ये आपके ऊपर होता है, आप किस किन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं और अपने जीवन में उसका कैसे उपयोग कर पाते हैं। सर, सबसे अच्छी बात एक व्यावसायिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में एक समावेश होना बहुत ज़रूरी है, उसको कैसे कर पाते हैं सर आप? पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ में बैलेंस कैसे कर पाते हैं, या इसको किस तरीके से देखते हैं, या हमारे साथियों के लिए क्या सीख होना चाहिए कि उनको लंबा जीवन अभी व्यावसायिक जीवन में तो उस समरसता के साथ कैसे आगे जाएं, किन बिंदुओं को ध्यान रखें? सबसे बड़ी बात है कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए जी, आपको जो है उसको संभल के सोच करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी नहीं होती आसान, उसको आसान बनाना पड़ता है। क्या बात, ज़िंदगी नहीं होती आसान, उसको आसान बनाना पड़ता है। परिस्थिति कैसी भी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट को लाना पड़ता है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यही मूल मंत्र है ज़िंदगी का। और जैसे आपने बताया कि बैलेंस कैसे किया जाता है, तो आपस में बैलेंस तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कभी व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ पर्सनल चीज़ें रह जाएंगी, क्योंकि जब आप दूर जाते हैं, बैंक में पोस्टिंग होती है तो आपके रिश्तेदारों नातेदारों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, उनको भी समझाना पड़ता है कि भाई ये ज़रूरी है, देश की सेवा भी करनी है। और कभी कभी हमें अपने मैनेजमेंट से भी कहना पड़ता है कि भाई रिश्तेदार के यहाँ जाना बहुत अति आवश्यक है, मुझे एक दो दिन का जो अवकाश दें, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो हमारी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो ये एडजस्टमेंट करके चलना है, यही एक मूल मंत्र है। जी जी जी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप प्राय एक दो लाइन गुनगुनाते हैं कि जब हम आगे चले जाते हैं तो कुछ पीछे छूट जाते हैं, वो चाहूँगा कि आप मैं अगर तो बस यही बताना चाहता हूँ कि अजीब कश्मकश है जिंदगी की। अगर तेज चलो तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं, और अगर धीमे चलो तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। वाह वाह वाह, ये सही बात है। तो ये प्रतिस्पर्धात्मक जीवन अभी नहीं आए हैं सर, व्यावसायिक जीवन में प्रतिस्पर्धा है एक, और इस प्रतिस्पर्धा में हमको संयम और एक समरसता के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, एक समभाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रतिस्पर्धा को किस तरह से देखते हैं जो व्यावसायिक जीवन में आ गया है? तो ये प्रतिस्पर्धा भी अति आवश्यक होती है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो आगे बढ़ने की जो लालसा होती है वो रह जाएगी, और आदमी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी पॉजिटिवनेस होना चाहिए कि आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के साथ अपना हाथ पीछे दिखाना है, जिससे पीछे वाले भी उस हाथ को पकड़ के आगे बढ़ें। अच्छा, आपको लीडरशिप क्वालिटी की यही खासियत है कि लीडर को आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपने पीछे अपनी पूरी टीम को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ गए और पीछे वालों को पीछे छोड़ गए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब साथ चलते हैं और तेज चलो तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं, और अगर थोड़ा धीमा चलो तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो टीम भावना यही है कि सबको साथ लेके चलना है और पूरी टीम को आयाम में अपनी मंजिल पर पहुँचाना। तो अतुल साहब, इतना अच्छा जीवन आप साझा कर रहे हैं हमारे साथियों को आज, तो हमारे साथी आपको बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि एक जीवन का इतने 30 वर्षों का, लगभग 30 वर्षों के व्यावसायिक बैंकिंग जीवन के बारे में आप निचोड़ बता रहे हैं। सर, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने होती हैं एक बैंकर को,
और उसमें व्यवसायिक एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर पारिवारिक भी जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत जीवन भी होता है, एक सामाजिक जीवन भी होता है। तो इसमें दृष्टिकोण के हिसाब से, क्योंकि बैंक में ऐसा बड़ा इंडस्ट्री है जिसको एसेंशियल सर्विस में देखा जाता है, तो इसमें मैं आपको चाहूँगा कि आपने इस जीवन को कैसे निर्वाह किया, क्योंकि आप तो देश के अनेक हिस्सों में। देखिए, ये जो जो जीवन है बैंकिंग व्यवसाय का, ये अकेले अगर आप चलाना चाहें तो नहीं चल सकता है। इसमें टीम होती है, और टीम भी दो प्रकार की होती है। एक तो व्यावसायिक टीम होती है, जो आप कार्यालय में कार्य करते हैं, आपके जो साथी लोग हैं उनमें सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ना होता है। और एक टीम आपके घर की, परिवार की भी होती है, जिसमें पत्नी बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको भी साथ में लेके चलना होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जीवन की शुरुआत एक रेल के इंजन की तरह है, रेलगाड़ी है। अगर रेल के दोनों पहिए बराबर ना हो, एक छोटा एक बड़ा हो, आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा तो रेलगाड़ी नहीं चल सकती है। उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे और स्पीड भी नहीं पकड़ेगी। तो इसके लिए हमारे जो साथी हैं व्यावसायिक जीवन के, उनका साथ साथ परिवारजनों का, सबका पूरा सहयोग है, और मैं उन सब उनके प्रति धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी जो है जगह काम किए, बहुत सारी उपलब्धियाँ पाईं, एक बड़े पद से रिटायर हो रहे हैं। उप महाप्रबंधक का एक पद काफ़ी बड़ा होता है बैंकिंग में, और एज ए डेप्यूटी जोनल हेड भोपाल से आप रिटायर हो रहे हैं, सम्मानजनक स्थिति से रिटायर हो रहे हैं। इसमें इन पूरे करियर में आप एक दो उपलब्धियां जो आपको अच्छी लगी हों, आप जिसको याद रखना चाहेंगे या जिसको हमारे साथियों के बीच साझा करना चाहेंगे, सर मैं आपसे चाहूँगा कि वो हमारे बीच साझा करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अतुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ये आपने बताया कि बहुत अच्छे पद से, ठीक है, अच्छा पद है, लेकिन आयाम की कोई सीमा नहीं होती है। अभी आगे भी उससे जो जाना चाहते हैं आगे जा सकते हैं, लेकिन जितना मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मैं ठीक पद पे आ गया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पहले भी मैंने बताया, जब मैं कंप्यूटराइजेशन के लिए आया तो जो पहली ब्रांच थी टोटल बैंक ऑटोमेशन की, जो दिल्ली में करी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी बैंक के लिए। सबकी निगाहें उसी ब्रांच के भी थी, और भारत के वित्त मंत्री ने आके इनॉग्रेशन किया, तो ये उपलब्धि एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। और वहीं से जो है बैंकिंग, बैंक ने, हमारे बैंक ने कंप्यूटराइजेशन के ऊपर नई सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, और उसके बाद आपने देखा कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते चले गए। और आज तो बगैर कंप्यूटर के कार बैंक का हो सकता है, इसका कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है। दूसरी उपलब्धि एक थी कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी मैंने कार्य किया है। जब मैं कानपुर में कार्यरत था तो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली थी, मैंने उसमें अप्लाई किया था। तो ऑल इंडिया में कई लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें ऑल इंडिया में एक ही वैकेंसी थी, वहाँ मेरा चयन हुआ जी। और जब जैसे आईटी है, आईटी ने एक चेंज किया था पूरे बैंकिंग आयाम को। आजकल जो है रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अति महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बेसल वगैरह जो है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, और मेल्टडाउन भी हुआ था, तो उसमें मेरा चयन हुआ। वहाँ पर ही मैंने मॉडलिंग का काम किया, कई से मॉडल बनाए, रेटिंग के टूल में अपडेशन किया, और एक आईकैप डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिज़र्व बैंक को दिया जाता है हर साल, उसको बनाने में मेरी पूरी तरह से भूमिका रही है। ये दो कार्य को मैं अच्छी तरह याद करता हूँ। और तीसरा जो सबसे अति प्रसन्नता वाली बात है, जब मैं अंत में सेवानिवृत्त हो रहा हूँ तो भोपाल अंचल में हूँ, और भोपाल अंचल शुरू से नंबर वन है और टॉप पे है, इसकी मुझे बहुत पसंद है। व्यवसायिक निष्पादन में नंबर वन है, नंबर वन है, और इसका जो श्रेय जाता है ये हमारी पूरी भोपाल टीम को जाता है। अगर उन लोगों का सहयोग नहीं होगा तो हम लोग नंबर वन नहीं रह सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम नंबर वन हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। भोपाल जोन का झंडा हमेशा ऊँचा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अतुल शाह साहब, 28 फरवरी 2023 को आप रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद जीवन का एक नया पड़ाव आगे आपका इंतज़ार कर रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, या क्या आपने कुछ सोचा है आगे जीवन के लिए, किस तरह से उसको निर्वाह करेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। किसी ने कहा है बहुत बड़े फिलॉसफर में कि जब धुंध हो और कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो कदम आगे बढ़ाते जाइए, रास्ता मिलता चला जाएगा। मंजिल अपने आप आपको मिलेगी, और मंजिल आपको तय नहीं करनी है, मंजिलों को और बढ़ाते जाना है। कि एक मंजिल हुई, उसको पड़ाव मान लिया, दूसरी मंजिल में पहुँच गए। इसी प्रकार हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जॉन गुडेनफ। उन्होंने 97 ईयर्स में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, सन 2019 में। और लिथियम आयन बैटरी के ऊपर कार्य किया है उन्होंने। अच्छा, तो उनका एक ही वर्ड है, लर्निंग इज फ्रॉम वम्ब टू टॉम, मतलब
पेट से जब आदमी निकलता है तब से और जब तक टॉम मकबरे में नहीं चला जाता तब तक उसको लर्निंग करते रहना है, आगे बढ़ना है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहना है। और जब नए नए आप बातें सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो है लाभ ज़रूर मिलेगा और उस लाभ और अनुभव को आप दूसरों को भी साझा कर सकते हैं। जी जी, तो ज्ञान और समय और उसके साथ अपना व्यक्तित्व का अगर संगम हो जाएगा तो एक बेहतर अनुभव पैदा होता है, अनुभव होगा और आदमी नए आयामों को नई ऊंचाइयों को छुएगा। जी जी, और शायद इसी को ही ज़िंदगी बोलते हैं कि आपके पास समय, ज्ञान और आपका व्यक्तित्व, आपकी जो सोच है अगर उसमें शामिल हो गई तो उसकी उत्पादकता के साथ जो आप समय गुजारते हैं, जो लोगों के साथ समाज में देते हैं, शायद वो इसी का नाम ज़िंदगी है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और ज़िंदगी आसान नहीं होती, इस पर मैंने आपको बताया ही था। और एक दो लाइन, दो पंक्तियाँ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आसान तो नहीं होती है, ऊँच नीच आती रहती है। जी जी, तो किसी शायर ने या किसी व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने चार पंक्तियाँ लिखी हैं। जिंदगी दिल के अरमानों को आजमाती है, वह ख्वाबों के पर्दों को निगाहों से हटाती है। क्या बात है। और गिरकर हताश ना हो ए मुसाफिर, ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। क्या बात है, बहुत। तो ठोकरों से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, ऊँच नीच गिरना उठना तो आता ही है। किसी ने सच ही कहा है कि यहाँ घायल हर एक परिंदा है। जी जी, यहाँ घायल हर एक परिंदा है, लेकिन जो गिरकर उठकर उड़ सके वही जिंदा है। वही जिंदा है। तो आपने कई बार हमें चर्चा के दौरान भी बताया कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, केवल सांस लेना जिंदा होने की निशानी नहीं है। मतलब आप कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहिए, आपके व्यक्तित्व से किसी को सीखने मिले। तो सर, इस मुकाम पे जब हम इस नए जीवन को देखते हैं तो आप में तो उत्साह दिखता है, एक नया तरन, आप तो बचपना एक जिंदा रखें अपने पास। जी जी जी, इसको जिंदा रखना पड़ता है। वो आदमी को ये नहीं सोचना, किसी ने कहा भी कि अपनी उम्र को जो है वर्षों से ना काउंट करें, उसको इस काउंट करें कि आपके जानने वाले, आपके सहयोगी, आपको मानने वाले, आपके मित्र कितने हैं। और कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस उम्र के पड़ाव पे आ गया, आगे मुझे करना है नहीं करना है, क्या करना है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने को मानता हूँ कि आई एम ए बॉय ऑफ 30 ईयर्स विथ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्या तो इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना है, देखिए आगे क्या क्या हासिल होता है। जी जी, तो बढ़ा बोलते हैं ना कि हम सोचें क्यों कि आगे क्या होगा, हम देखें क्यों कि आगे अंजाम क्या होगा, बढ़ाते रहें इस हौसले से कदम, क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ, जो मिला तजुर्बा वो तो नया होगा। बिल्कुल सही फरमाया। तो एक नएपन के एहसास के साथ और ज़िंदगी में अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि आप में कुछ सरलता है, एक सादापन है, और आज आपके जो सकारात्मक सोच आपकी पर्सनालिटी से दिखता है, आप उत्साहित रहते हैं, अपने आसपास लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी देखना पसंद करते हैं, कोई गंभीर रहता है तो उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं, और ये मुझे एक सकारात्मक आप में एक संकेत दिखता है जीवन में कि आप चाहते हैं कि हर कोई खुशनुमा माहौल में रहे, खुश रहे, और अपने व्यावसायिक निष्पादन तो करे ही करे, क्योंकि वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, एक बेसिक जिम्मेदारी होती है, साथ ही साथ और भी पहलों को वो एक्सप्लोर करे, ऐसी मैं समझ पाता हूँ आप ऐसा सोच रखते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आदमी जब खुश होगा तो उसकी जो है उपयोगिता कहना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी कहना चाहिए, स्वयं में अपने आप ही बढ़ जाती है। अगर ये तो ज़िंदगी है, मैंने बताया कुछ ना कुछ परेशानियाँ सभी को होती हैं, तो वो अगर परेशानी अपनी साझा कर लेता है तो हो सकता है दूसरा उसका कुछ उपाय बता सकता है। ये इसी नियम को लागू करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आगे चलना है। देखिए, ये हमारे चार्ली चैपलिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे इंग्लैंड के। जी जी, लेकिन उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि जितने लोग व्यक्ति होते हैं अगर वो अपनी परेशानियाँ के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को है। उन्होंने कहा, मैंने 10 आदमियों से कहा कि आप अपनी परेशानियाँ एक कागज़ पर लिख करके एक टेबल पर बैठ जाएं। जी जी, और अपनी परेशानियों को एक्सचेंज करें कि ये परेशानी मेरी तुम ले लो, तुम्हारी मैं ले लेता हूँ। हाँ। तो अंत में आधे घंटे के डिस्कशन के बाद यही निकला कि लोग अपनी ही परेशानी लेके चले गए और देखा कि दूसरों की परेशानी तो उनसे ज़्यादा है। हाँ। तो आप जैसे बैंकिंग व्यवसाय है उसके बारे में आपने एक गाना बताया कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जी जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने को उस सिपाही से तुलना करिए जो सियाचिन बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, जो 4 महीने से अपने परिवार को देखा भी नहीं है, और उसकी 4 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी होने पे उसके पैर जो है बर्फ़ में गलने लगते हैं,
सोचिए उससे कम से कम हम ऐसे व्यवसाय में हैं कि शाम को अपने घर आ जाते हैं और सौभाग्य से बहुत से लोग तो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, नहीं होते हैं तो बहुत से इतवार और शनिवार को चले जाते हैं, नहीं तो महीने में तो एक दो बार जाने का मौका मिल ही जाता है। तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा है और बाकी जैसे आपने जाना कि अभी हमारे ऊपर जिम्मेवारी बैंक पे ज़्यादा है, सरकार भी सारी योजनाओं को बैंकों के थ्रू ही लागू कर रहा है और हमारा योगदान बैंक में बहुत अच्छा है समाज के प्रति। हाँ। उसको हमें आगे बढ़ाना है और ये नहीं सोचना है कि हमें कष्ट है, कष्ट के साथ हम कितने लोगों को लाभ दे रहे हैं इसको सोचना है, उन लोगों की दुआएँ आशीर्वाद जो मिलेगा उससे हम और हमारे परिवार और आगे आने वाली जो जनरेशन है बहुत बहुत दुआएँ देंगे। जी 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 जी। तो धन्यवाद अतुल साहे साहब, आपने बहुमूल्य समय दिया और अपने इस 29 साल के बैंकिंग सफ़रनामा के बारे में कुछ अनुभव साझा किए हमारे साथियों को। मैं आशा करता हूं कि इस अनुभव से हमारे साथी जो हैं उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ सुखद अनुभव हैं और वो जो विचार हैं आप जिस पर आपने अभिव्यक्त किया उन विचारों से सीखने की कोशिश करेंगे, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी, उत्साहित मन से काम करेंगे, उमंग से काम करेंगे, उनके अंदर एक हौसला आएगा। इसी आशा के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथियों के लिए कोई संदेश दें या कोई आपके मन में कोई विचार है तो या कोई पंक्तियां साझा करना चाहेंगे तो कर। मैं बस यही कहना चाहूँगी बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरा, आप बैंक में सभी साथियों का बहुत ही सहयोग मिला। बस दो बातें ध्यान में रखी हैं जो कि हमारे संविधान में भी लिखी गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने यहाँ जहाँ तक देखा है कि लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। अगर आप राइट्स के साथ ड्यूटीज़ के भी पूरा पालन करेंगे तो मेरे विचार से वो समय नहीं जब हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि आपको मालूम कि मुझे ड्यूटी भी करनी है तभी मुझे ये राइट मिलेगा। धन्यवाद, इसी के साथ आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपके पूरे जीवन को जान पाया, ये अवसर मिला तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका खास तौर के धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही मार्गदर्शन आने वाले समय में भी हमारे साथियों को दें। मैं ये वीडियो हमारे युवा साथियों के बीच संचारित करूँगा तो उन्हें ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा और मैं इन पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि सुख भी बहुत होगा तो परेशानियाँ भी होंगी, सुख भी होगा तो परेशानियाँ भी होंगी, लाभ भी होगा तो हानियाँ भी होंगी। क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियाँ भी होंगी। तो ईश्वर ने ये मेहरबानी दिया और हमें ये अवसर दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी साथियों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा ये वीडियो देखने के लिए और सर के बेस्ट विशेस देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार।